नमस्कार। ये एक सेवन चक्रा को एक्टिवेट करने वाला मेडिटेशन है। आराम से बैठ जाएं। अगर संभव हो तो आप पालथी मारकर ही बैठे। दोनों हाथों को अपनी जांघ पर ज्ञान मुद्रा में रख लें। एक गहरी सांस अंदर ले और धीरे से बाहर। रिलैक्स योर होल बॉडी। एक और गहरी सांस अंदर ले और पूरी तन्मयता के साथ बाहर कर दे। हर एक सांस के साथ आपका शरीर ढीला पड़ता जा रहा है। आपकी मांसपेशियां शिथिल हो रही है और आपका मन शांत हो रहा है। Allow your mind to more peaceful, calm and relax. हर सांस के साथ आपका शरीर और गहन विश्राम में जा रहा है और आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। हर बाहर जाते हुए सांस के साथ आपके तनाव चिंताएं बाहर जा रहे हैं। अपनी सांसों को देखते रहें और सांसों को देखने के साथ साथ आपके शरीर में कहां तनाव है उसको भी देखते जाएं। अब हम एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। एक गहरी सांस अंदर लें। एक मन पूरी तरह से शांत। पुनः एक बार ओमकार का उच्चार करेंगे। गहरी सांस अंदर और अपने शरीर में उठने वाली कंपन को महसूस करना शुरू करें। अब आप इमेजिन करें कि जहाँ जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं उस धरती से नीचे अपनी चेतना को जाने दें और अब आप सेंटर ऑफ अर्थ पर पहुंच चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच चुके हैं। ये स्थान ऊर्जाओं का भंडार है। धरती अपने आप में ऊर्जा का केंद्र है और यहाँ से रोशनी की एक किरण ऊपर की तरफ उठना शुरू कर रही है। धीरे धीरे ये प्रकाश का रूप आपकी तरफ बढ़ने लगा है। अब ये धरती की सरफेस के पास है और आपकी जांघों को टच कर रहा है। ये प्रकाश एक आध्यात्मिक प्रकाश है। इसमें ये क्षमताएं हैं
कि आपके शरीर को हील कर सकता है और आपकी आध्यात्मिक इच्छा को जागृत कर सकता है। यह प्रकाश आपके मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रहा है। मूलाधार चक्र आपके रीढ़ की हड्डी के आखिरी मनके के पास स्थित है। मूलाधार चक्र धीरे धीरे जागृत हो रहा है और ये चक्र अपने एक्सिस पर तेजी से घूमना शुरू करता है। इसके साथ साथ मन में ये इंटेंशन लाए कि मूलाधार चक्र में छुपा विशाल ज्ञान का भंडार, शक्ति का भंडार खुलता जा रहा है। मूलाधार चक्र जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। अब यहाँ प्रकाश का केंद्र आपके स्पाइनल कॉर्ड में और ऊपर की तरफ आ रहा है और अब ये आपके स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश कर रहा है। स्वाधिष्ठान चक्र आपके नाभि से चार उंगली नीचे है। स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित कमल धीरे धीरे खिलने लगा है और स्वाधिष्ठान चक्र अपने अक्ष पर तेजी से घूमना शुरू कर चुका है। ये प्रकाश का केंद्र थोड़ा और ऊपर आ रहा है और अब ये आपके मणिपुर चक्र में प्रवेश कर चुका है। मणिपुर चक्र आपके नाभि से चार उंगली ऊपर आपके स्पाइनल कॉर्ड में स्थित है। मणिपुर चक्र में छुपा विशाल ज्ञान का भंडार जागृत हो रहा है। ज्ञान का कमल खिलने लगा है और ये कमल अपने अक्ष पर तेजी से घूम रहा है। मन में ये भावना लाए कि मणिपुर चक्र पूरी तरह से जागृत हो रहा है। जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। अब ये प्रकाश का और ऊपर उठ रहा है और आपके हृदय में स्थित अनाहत चक्र में प्रवेश कर रहा है। अनाहत चक्र प्रेम का चक्र है। इसमें स्थित ज्ञान के भंडार धीरे धीरे खुलने लगे हैं। इसमें मौजूद भावनाएं जैसे कि प्रेम, दया धीरे धीरे बाहर आने लगी है और आपकी प्रत्येक कोशिका में प्रवेश कर रही है। अनाहत चक्र इस ओपनिंग ये प्रकाश का केंद्र अब धीरे धीरे और ऊपर उठ रहा है और आपके कंठ में स्थित विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर रहा है। विशुद्धि चक्र धीरे धीरे
जागृत होने लगा है। इसमें मौलोद चक्र अपने कक्ष पे तेजी से घूम रहा है और विशुद्ध चक्र में मौजूद ज्ञान का भंडार, शक्ति का भंडार, सप्रेस्ड इमोशंस और इंफॉर्मेशंस सब कुछ जागृत हो रहे हैं। मन में ये भावना लाए कि विशुद्ध चक्र जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। विशुद्ध चक्र जागृत हो। और अब ये प्रकाश का केंद्र आपके दोनों भवों के बीच स्थित आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रहा है। भूमध्य में स्थित आज्ञा चक्र धीरे धीरे सजीव होने लगा है। इसमें छुपे ज्ञान के भंडार खुलने लगे हैं। यहाँ मौजूद कमल धीरे धीरे खिल रहा है। आज्ञा चक्र पूरी तरह से जागृत हो चुका है। ये प्रकाश का केंद्र आपके सिर के सबसे ऊंचे हिस्से में प्रवेश करता है। सहस्रार शुक्र धीरे धीरे जागृत हो रहा है। यहाँ मौजूद कमल खिल रहा है। यहाँ जो भी ज्ञान है, जो भी भावनाएं हैं, जो भी शक्तियां हैं, धीरे धीरे खुलने लगी हैं। मन में ये भाव लाना है कि मेरे शरीर के समस्त चक्र जागृत हो रहे हैं। और अब ये प्रकाश का किरण धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर आसमान की ओर जा रहा है और ये परमात्मा की ऊर्जा से एक हो रहा है और ये शून्य में मिल रहा है। ये प्रकाश की किरणें और ज़्यादा ऊर्जावान, शक्तिवान होकर आपके शरीर की तरफ वापस लौट रही हैं। एक बार फिर से ये आपके सहस्रार चक्र में प्रवेश कर रहा है। ये चक्र जागृत हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। ये प्रकाश का गेम अब आपके विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर रहा है, जो कि आपके कंठ में है, और ये उसे और ऊर्जावान बना रहा है। प्रकाश का गेम आपके हृदय में स्थित अनाहा चक्र में प्रवेश कर रहा है और इस चक्र को वो और ज़्यादा ऊर्जावान, प्रकाशमान और शक्तिमान बना रहा है। ये प्रकाश का गेंद धीरे धीरे फिर से नीचे जा रहा है और जो भी
परमात्माओं की ऊर्जा इसने ली है। वो मणिपुर चक्र में डिस्चार्ज कर रहा है। मणिपुर चक्र जागृत हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। अब ये बिंदु स्वाधिष्ठान चक्र में जा रहा है। अब स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित विशाल ज्ञान के भंडार खुलने लगे हैं और ये चक्र जागृत हो रहा है। ये प्रकाश का गेंद पुनः नीचे जाता है और एक बार फिर से आपके मूलाधार चक्र को ऊर्जा दे रहा है, शक्ति दे रहा है और आपके पूरे शरीर के चक्र प्रकाशमान हो चुके हैं। अब आपकी पूरी चेतना सारे चक्र पे एक साथ लगा है। देखे ये अपने अक्ष पर तेजी से झूम रहे हैं। जो भी ब्लॉक एनर्जी थी, फंसी हुई एनर्जी थी, वो सारे ब्लॉकेजेस बाहर निकल रहे हैं, गायब हो रहे हैं, शून्य हो रहे हैं। और अब आप ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। मैं आपको एक ट्रुथ फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि आप चेतना के पुंज हैं और आप में तमाम शक्तियाँ हैं जिसके सहारे न सिर्फ आप अपनी तकदीर, किसी के भी तकदीर पलट सकते हैं। यह वक्त है आपकी खोई हुई शक्ति को फिर से धारण करने का और इसमें ध्यान से वापस आने का। एक बार फिर से अपने दोनों हाथ की हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखें और मेरे तीन गिनने से साथ धीरे धीरे से आंखों को खोलें। एक, अपने आसपास की आवाज़ों को सुनना शुरू करें। दो, अपने शरीर को हिलाना शुरू करें। तीन, जैसे ही आपको अच्छा महसूस हो वैसे धीरे से अपनी आंखों को खोल दें। आप इसकी प्रैक्टिस डेली करें, इसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा होगा। थैंक यू सो मच।